हेलो फ्रेंड्स, तो आज है 29 अक्टूबर और आज के इस लेसन में हम लोग पूरे वीक के जितने भी करंट अफेयर होंगे उसको हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की ओर देखते हैं, उसके बाद हम लोग उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जनरेटिंग स्टेशन ने दबाव वाले भारी जल रिएक्टरों वाली इकाइयों के सबसे लंबे समय तक निर्बाध संचालन के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ऐसा कौन सा जनरेटर बनाया गया है, ठीक है, तो जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया, तो वो हमारा सही आंसर है कैगा जनरेटिंग स्टेशन। ठीक है, कैगा जनरेटिंग स्टेशन ने दबाव वाले भारी जल रिएक्टरों वाले इकाइयों के सबसे लंबे समय तक निर्बाध संचालन के लिए एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नायक ने इलाहाबाद को 20 अक्टूबर 2018 को प्रयागराज के रूप में नामित करने के लिए मंजूरी दे दी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संगठन ने एशियाई आर्थिक रिपोर्ट 2018 जारी की है, तो किसने जारी की है, एशियाई विश्व बैंक। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि किस बैंक ने किया है, तो वो हमारा आ जाएगा एशियाई विकास बैंक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि 27वें संलयन ऊर्जा सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है, तो वह किस शहर में किया गया है, वो हमारा गांधीनगर में किया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है इस तरह कि 22 अक्टूबर 2018 को गुजरात के गांधीनगर में 27वें संलयन का सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, तो 22 अक्टूबर को इसका उद्घाटन किया गया था। फिर आता है कि 21 अक्टूबर 2018 को वाराणसी में 36वीं भारतीय कालीन प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। ठीक है, फिर 29 अक्टूबर 2018 को प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 24वें संस्करण का मेजबानी कौन देश करेगा, भारत करेगा। ठीक है, और 26 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में कृषि कुंभ का उद्घाटन किया है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारत की पहली लग्जरी क्रूज जहाज सेवा डेस और गोवा के बीच शुरू की गई थी, तो किसके बीच शुरू की गई थी, तो वो है हमारा मुंबई। ठीक है, मुंबई और गोवा के बीच शुरू की गई है। ठीक, फिर हमारा जो क्वेश्चन आता है, गंगोत्री हिमनद के पास चार अज्ञात हिमालयी चोटियों के नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे रखा गया है। ठीक है, ये भी हमारा एग्जाम भी उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है, वर्ष 2018 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्ट के लिए लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से किसने प्राप्त किया है, तो ये है एक फली एस नरीमन। ठीक है, जो सांस्कृतिक सद्भावना के लिए टैगोर अवार्ड 2014 के लिए मणिपुरी नर्तक श्री राजकुमार सिंहजीत ने, और 2015 के लिए छायायान, और 2016 के लिए मूर्तिकार रामवंशी सुतार को दिया गया था। फलियस नरीमन को लोक प्रशासन में उत्कृष्ट के लिए 2018 लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, निवेश भारत ने उत्कृष्ट के लिए 2018 संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट हमारा, अपनी पुस्तक जैस्मिन डेज के लिए 2018 साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार किसने जीता है, तो इसका जो सही आंसर है वो उन्नयन बाका, ठीक है, सॉरी, इसका सही आंसर है बेनियामिन। ठीक, बेनियामिन में जो अपने पुस्तक जैस्मिन डेज के लिए साहित्य के लिए जेसीबी 2018 का पहला पुस्तक पुरस्कार उसी ने जीता है। फिर जो नेक्स्ट है हमारा, उन्नयन बाका ने 2018 के लिए राष्ट्रमंडल संघ लोक प्रशासन और प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार जीता है, और मलयालम लेखक बेनियामिन ने अपने पुस्तक जैस्मिन डेज के लिए साहित्य का पुरस्कार जीता है। जो जेसीबी पुरस्कार जीता वो कौन से लेखक है, मलयालम लेखक है। ठीक है, फिर आता है, नरेंद्र मोदी को सियोल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है, और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को पहला विश्व कृषि पुरस्कार मिला है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, जो निम्नलिखित में किस कंपनी को टॉप चैलेंजर्स अवार्ड 2018 प्राप्त हुआ है, तो ये जो कंपनी है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट इसी में हम लोग आ जाता है कि यूरोपीय सांसद ने यूक्रेनी फिल्म निर्माता ओलेग स्टोव को जेल में सखारो मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है, डैश और रूस ने डूजबा 3 नामक वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है, तो किसके और किसने मिल के जो ये वार्षिक संयुक्त सैन्य स्टार्ट किया है, तो वो पाकिस्तान और रूस ने मिलकर ये स्टार्ट किया है। नेक्स्ट, जो 21 अक्टूबर 2018 को संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने 2 सप्ताह के सैन्य अभ्यास आयरन मैजिक 19 का शुरुआत किया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सहले वर्क जडेजे किस देश की पहली राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति है, तो ये कौन से देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, वह है इथियोपिया। ठीक है, इसमें जो हमारा और एक क्वेश्चन आ जाते हैं, तो भारत क्रिकेट कप्तान विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट के सबसे तेज 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, मारुति सुजुकी एरिना चैनल का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो वरुण धवन को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक, संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा जो विश्व श्रव्य दिवस, ठीक है ना, विश्व श्रव्य दिवस विरासत दिवस 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक, फिर आपका जो केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 29 अक्टूबर से 3 नवंबर 2018 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2018 मनाया जाएगा, और हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को भी मनाया जाता है। बैडमिंटन खिलाड़ी डैश ने डेनमार्क ओपन 2018 में रजत पदक जीता है, तो साइना नेहवाल जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, उन्होंने डेनमार्क ओपन 2018 में रजत पदक जीता है। इसके अलावा जो भारत के सौरव कोठारी, उन्होंने 2018 विश्व बिलियर्ड्स चैंपियंस का खिताब जीता है, और पूजा ढांडा ने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2018 का पदक जीता है। फिर आते हैं बजरंग पुनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2018 में रजत पदक जीता है। ठीक है, मुंबई क्रिकेट टीम ने 2018 विजय हजारे ट्रॉफी का क्रिकेट जीत लिया है। ठीक है, तो 2018 का जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो किसने जीता है, मुंबई क्रिकेट टीम ने। फिर हमारा आता है कि न्यायमूर्ति देवाशीष कार गुप्ता को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, तो उन्हें कोलकाता के जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। फिर जो अजीर कुटी सोमिया बोपन्ना को गुवाहाटी का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नरेश हरिश्चंद्र पाटिल को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और एम नागेश्वर राव को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अंतरिम निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट हमारा किस भुगतान बैंक ने सतीश कुमार गुप्ता को प्रबंधक निदेश और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रूप नियुक्त किया है, तो पेटीएम भुगतान बैंक ने इन्होंने सतीश कुमार गुप्ता को नया सीईओ चुना है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा क्वेश्चन आता है कि वरिष्ठ राजनयिक सौरभ कुमार को म्यांमार में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है, और रमेश रंगनाथ को उत्तराखंड उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ठीक है, विजय कुमार बिष्ट को सिक्किम उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। 23 अक्टूबर 2018 को किस राज्य ने पशु संजीवनी सेवा योजना शुरू की थी, तो हरियाणा है जिसने पशु संजीवनी सेवा को शुरुआत की है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय ने 22 अक्टूबर 2018 को हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली के अभियान का शुरू किया है। 22 अक्टूबर को पर्यावरण मंत्रालय द्वारा यह शुरुआत किया गया है, और जो आपका प्रधानमंत्री मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अक्टूबर 2018 को मैं नहीं हम पोर्टल लॉन्च किया है, नरेंद्र मोदी द्वारा हम नहीं पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ऑनलाइन अनारक्षित टिकट खरीदने के लिए रेलवे ETS मोबाइल ऐप द्वारा देश भर में 1 नवंबर को 2018 से उपलब्ध होगी, ETS मोबाइल ऐप, ठीक है, पूरे देश में 1 नवंबर को उपलब्ध होगी। फिर आता है पेटीएम ने किस देश में पेपे नामक भुगतान सेवा शुरू की है,
तो जापान में पेटीएम द्वारा यह शुरुआत किया गया है। ठीक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में मंगलुरु में एसबीआई वेल्थ हब खोलकर अपनी संपत्ति व्यापार की शुरुआत की है। ठीक,